अलैकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जनाब, यार मैं आज ट्रैफिक में बड़ा हैवी फंसा हुआ था और मैं लेट हो गया हूँ। लाहौर के ट्रैफिक और लिंक रोड से मैंने आना था, तो किसी को शायद पता हो लिंक रोड के ट्रैफिक का। वहाँ पे फंस गया एंड इट टुक टाइम। दूसरा, मेरा मोबाइल भी ज़रा काम नहीं कर रहा और आई गेस बहुत ज़्यादा ही मैसेजेस होते जा रहे हैं। मुझे नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं बट स्क्रीन में उसकी शो नहीं हो रही, तो मैं भी उसको जरा देख रहा था। तो मैं उसको देखता हूँ। तो जिंदगी के नशेब और फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है। लोगों ने रेशोस की वीडियो देख ली थी? जो आपको रेशोस की वीडियो कही थी वो देख ली थी आपने? सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। सर दीदार की तलब हो तो नजरे जगायरा खालिब, पर्दा हो या नकाब से रखता जरूर है। भाई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरे मोबाइल का टच नहीं काम कर रहा, कहां से टाइप करूं? कहां पे करूं, कहां पे बताओ करूं, कैसे रिप्लाई करूं, मुझे बताओ। रेशियोस डन हो गया। ओहो, यार मगरिब की नमाज आपको नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। पांच मिनट दे दें बस। नहीं यार, भी मैंने फंसा हो, मैंने आज सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करवानी है सर। लेफ्ट जल्दी नमाज पढ़ ले, मैं एक दो मिनट बच्चों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मैं इनके सवालों के जवाब दे तो हम जल्दी नमाज पढ़ लें, जिसने पढ़नी है शूटर मारे। तब तक इनके आंसर्स के रिस्पॉन्ड आउट कर रहा हूँ। लैपटॉप से गो टू मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही, कैसे करें, एरर आ जाता है? नहीं, एरर तो नहीं आता। आई थिंक गो टू मीटिंग इज वे। हाँ याद आया, याद आया, अभी कर देता हूँ। मैंने कहा था ना मैंने करनी है। हाँ वो डन, अभी कर देते हैं जनाब, अभी कर देते हैं। घबराते क्यों हो? सर आप सोते कब हैं जब नींद आ जाए? सिंपल सी बात है, और वो आती नहीं है लोगों को, आती नहीं है लोगों की, जाती नहीं है, मुझे आती नहीं है। लिंक कहाँ पे गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड। रेशस के वो क्वेश्चंस देख लिए थे? तीन क्वेश्चंस थे दी, दोस्त थ्री क्वेश्चंस वर इनफ। तीन टाइप के क्वेश्चंस जो है थे वो आपने करने, तो देख लिया था वो। कैश फ्लो की भी आपको प्रैक्टिस, यार जो पांच सवाल दिए हैं आप वो पांच देख लें, वो तकरीबन पांचों के पांचों जो है बड़े मजे के सवाल है। उसके बाद आप सोगवारो लिमिटेड वाला कह रहे हैं, वो मैं उसको करवा देता हूँ। ये लें जी, R1 का थ्योरेटिकल एरिया भी शेयर कर देता हूँ। ये क्या ग्रुप आपका? ये भी, और ये भी।
इसमें इंटरप्रिटेशंस की जो थ्योरी है वो गिवन है, आप उसको ले सकते हैं, क्लिक करें, आप इसको कंप्लीट कर लें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है। और भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिंक भेजा, सुन लिया करो, खुदा का वास्ता सुन लिया कर भाई। और कोई सवाल किसी का है तो बताएं। नोट्स 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 शेयर तो है। चले मैं क्लासेस से फ्री होके कर दूंगा, जरा मोबाइल को भी देख रहा है मैंने, अभी कर दूंगा। डे 4 पे क्लास हुई नहीं थी, संडे मैंने ऑफ कर दिया था, आई नीड सम रेस्ट। आप तो अगर वो कैश लो के 5 सवाल देख लिए देन सो गुवारो जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। भाई मेरे ख्याल से मैंने यही कहा है कि हारून को मैंने क्लास नहीं कराई थी। नहीं पहले एसओसीए ही करवाऊंगा, फिर यहाँ से यूपीएस में जो है करूंगा। सर 2500 करने क्वेश्चन या अकाउंट बता दें। 2500 करने के लिए आप अपना बनाएंगे इन्वेंट्री का अकाउंट। इन्वेंट्री के अकाउंट से आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि आपकी कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स से आप वर्क बैक करते हुए परचेजेस जो हैं वो निकाल लेंगे। मैं भी व्हाट्सएप पर रिप्लाई किसी को नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल सही काम नहीं कर रहा, इसको भी देखता हूँ, उसके बाद ये काम करेगा तो मैं रिस्पॉन्ड आउट कर दूंगा। दो मिनट है तो 10 मिनट मांगे, 6-10 पे बोलना स्टार्ट कर दूंगा। सर आप दूसरों के लिए खुद को इतनी मशक्कत में क्यों डालते हैं, क्यों, क्या जवाब होना चाहिए? जिंदगी दूसरों के लिए जीने का नाम है, इंसानियत की खातिर। सेल्फलेस जन्नती, कंफर्म जन्नती, क्योंकि आप क्यूट हैं,
उठ तो मैं हूँ, मुझे पता है। इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि आई वॉन्टेड कि आप लोग कामयाब हो। सिंपल इज दैट, तो आप लोग इस डिप्रेशन वाले फेज से निकले, अपनी लाइफ में कामयाब हो। जब आप कामयाब होंगे फिर आप कभी हमें अपनी दुआओं में याद रख लेंगे। जब आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे तो अल्लाह मेरे भी तमाम जो काम है, जो मेरी ख्वाहिशात है, पूरी करता जाएगा। तो मेरा मकसद है कि किसी की दुआओं का पार्ट बनना, कि आप लोग मेरे लिए दुआएं कर रही हो, आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी हर चीज जो है वो बेहतर होती जाएगी। सो दैट्स व्हाई, अगर इतनी मशक्कत से मुझे इतने लोगों की दुआएं मिल जाती हैं और मेरे हर जो बिगड़े काम है वो ठीक हो जाते हैं, तो इतनी मशक्कत इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। मैं इससे डबल मशक्कत कर सकता हूँ। सर अल्लाह आपको सारी जायज दुआएं पूरी करे। तू पुत्र, मैं कड़ी ने जायज दुआ की है? मैं क्यों किया कि मैं पीएम पाकिस्तान बनने, या मैंने कौन सा कहा मैंने बुर्ज खलीफा चोरी करने? ऐसे जायज का टैग ऐसे लगाते हैं जैसे पता नहीं मैं कौन कौन सी नाजायज दुआएं कर रहा होता हूँ, कि मैंने मनी हिस्ट का प्रोफेसर बनना है, या विन डीजल बन के मैंने कहना डोंट कार डोंट फ्लाई, पर मैंने एक टावर दूसरे टावर में गाड़ी फेंक देनी है। पता नहीं किसी को मांगते हूँ दुआओं में, अगर मैं किसी को दुआ में मांगता भी हूंगा तो वो नजायज सुनी मांग रहा हूँ। फिर भी एमी अपने से छोटे लोग, छोटी सोच। तो डैट इज वाई हम सेल्फलेस हैं। सर जी हैंड आउट काइंडली भी शेयर कर दिया करो। अच्छा ओके, ओके और सर दुआओं से क्या मिलेगा? सुकून, सुकून मिल जाएगा ना मुझे। आप मेरे लिए दुआएं करेंगे तो सुकून मिलेगा। कितना अच्छा होगा जब आप में से बच्चे सुबह फजर के टाइम बैठे हुए हैं और दुआ मांग रहे हैं, और उन दुआओं में मैं भी हूँ, तो अल्लाह दुआ आपकी कबूल कर रहा होगा, उससे मेरा जो है बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आपको एक पेपर में कामयाब करवा के अगर मैं परमानेंटली या कुछ अरसे के लिए आपकी दुआओं में पार्टिसिपेंट बन जाता हूँ, तो ये बहुत बड़ी डील है कि नहीं? तो आप लोग बस पास करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, कि अल्लाह अपना करम मेरे पे हमेशा रखे, मेरी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करे। दैट्स इट, डील डन। इतनी सी डील चाहिए मुझे आपके साथ, कि आप पेपर पास करें और मुझे दुआओं में याद रखें। दैट्स इट, लेकिन इतना अच्छा आदमी हूं मैं। ओए ओए, हमारे लिए भी दुआ करें सर, टीचर्स की दुआएं कबूल होती हैं। मेरी दुआएं बहुत महंगी हैं भाईजान, काफी दी बात है। मैं पर दुआ 50 रुपए लूंगा पर टाइम। डील डन कर लें, मैं एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, दुआओं का पैकेज। फजर की दुआ, जोहर की दुआ, असर की, मगरिब की, ईशा की, और एक होगा प्रीमियम पैकेज तहज्जुद वाली दुआ। तहज्जुद में करवानी है, कहाँ पे करवानी है, और फिर वन टाइम दुआ, टू टाइम दुआ, अनलिमिटेड पैकेज। तो ये सब कुछ जो है ये मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। डन हो गया। खाली पेट दुआ नहीं होती, तो आप खाना खा के दुआ कीजिएगा मोहतरमा। मंथली प्रीमियम पैकेज, आहा यार ये बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। शादी की भी दुआ करते हैं पैसे लेके, उसके लिए दुआओं वाली बाजी है किरण, उससे करवा लिया करें।
मैं आपको आपकी बातों का जवाब बड़े बखूबी दे सकता हूँ, बट मैं अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। अदरवाइज मैं आपको ऐसा रगड़ा लगाऊं कि आप लोग जिंदगी में कभी ऐसे कमेंट ना कर पाए जो आप कर रहे होते हैं। और गो टू वेबिनार का फायदा ये होता है कि आपके कमेंट कोई बंदा देख भी नहीं रहा होता, बट एनी केस स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हाँ अचानक ही फ्लू हो गया है चेक करने बैठे बैठाए फ्लू हो गया है, अभी सही था बिल्कुल। मैं लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, मेरी तबीयत स्विंग्स होती है, बैठे बैठाए सही हो जाते हैं। मुझे अक्सर कहते हैं फिजिकल वाले बच्चे कि आप यहाँ पे सही होते हैं, वहां पे जाके ऑनलाइन तो आप फोत हुए होते हैं। तो मैंने कहता हूँ यार इसे कहते हैं तबीयत स्विंग्स। मैं बहुत फ्रजाइल हूँ भाई, बहुत फ्रजाइल हूँ, बर्गर हूँ ना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसको क्या करना है, इसको हमने लेके चलना है, क्या है क्या नहीं है इसकी बात करनी है। रिमेंबर IAS 33, IAS 01, IAS 8, इन तीनों को मिला के कंबाइन क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। आप लोगों ने पास्ट पेपर में एक सवाल देखा होगा, सवाल का नाम होगा डेफोडिल्स। सवाल का नाम क्या होगा? डेफोडिल्स लिमिटेड होगा। ये आपने सवाल लास्ट में देखा होगा। ये सवाल जो है वो इस टॉपिक के लिए बेंचमार्क क्वेश्चन है, जिसमें आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपका कैश फ्लो, ओ सॉरी कैश फ्लो, आपका ईपीएस और आपका IAS 8, ये कंबाइन पूछ रहा होता है। तो हम इसको इसी वे में लेके चलेंगे क्योंकि इसमें से कंबाइन आने क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती कैसे है, फिर हम ईपीएस पे जाएंगे। ईपीएस के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इनके कंबाइंड क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो इंडिपेंडेंटली ये जो है ये बड़ा इजी टॉपिक है, इसमें एज सच कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी जो है वो मौजूद नहीं है। और अगर कंबाइन कर लूँ तो ये टॉपिक जो है आपके नॉन करंट एसेट से ज्यादा मुश्किल बन जाता है। बिकॉज आपके पास न्यूमरस प्रैक्टिस मटेरियल होता है जिसमें आप कंबाइंड स्टैंडर्ड से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें नॉन करंट एसेट्स की प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा हो रही होती है। बट इसमें जो है इसमें इसमें ये वाला सीन जो है वो नहीं होता। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर लेके चलना है। अब आपको पता है हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैं इसके कंबाइंड क्वेश्चन लाजमी करवाऊंगा और लाइव करवाऊंगा। बिकॉज ये वो एरिया है जिसमें से आपको अराउंड 20 से 25 नंबर का पेपर आना ही आना है, तो इसके कंबाइंड क्वेश्चन मैं लाजमी करवाऊंगा। और डेफोडिल्स वाला क्वेश्चन जो है वो मैं क्लास में आई गेस कल या परसों सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल जो है ये सवाल मैंने लाजमी करवाना है, और जब मैं अपना एरिया वाइंड अप करूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा बताना ये मुश्किल है कि नहीं है। आपको पता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 चीजें जो हैं वो हम बना रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है, बैलेंस शीट आता है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितनी है। हम बताते हैं इस वक्त इस पीरियड में इस तारीख के ऊपर ये हमारी पोजीशन है, इतने हमारे एसेट्स हैं, इतनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये सब कुछ क्या कर रहे होते हैं हम बता रहे होते हैं। उसके साथ हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसमें हम देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की परफॉर्मेंस क्या है, और ये होती है फॉर द पीरियड, पूरे पीरियड के लिए क्या है और क्या नहीं है। फिर हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो पूछ सकते हैं। जो एक्सट्रैक्ट्स हैं
वो क्या कर सकता है, वो एग्जामिनर अंकल पूछ सकता है कि बताएं जी इनके एक्सट्रैक्ट्स क्या है क्या नहीं है। फिर हमारे पास आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो IAS 7 है, ये हमारा डन हो गया होगा। IAS 7 ये डन है हमारा। इसके मैंने आपको 5 सवाल जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आप वो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन तसल्ली से कर लेते हैं आई गेस इसमें से कोई मसला नहीं होगा। अब हम किसके पर बात करने लगे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर, इसके पर बात करेंगे। इसमें हमने इक्विटी की मूवमेंट जो है वो देखनी है, क्या नहीं होती क्या नहीं होती, और एंड पे आता है हमारे पास नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स किस तरह बनाए जाएंगे उसकी हमने क्या करनी है, उसकी हमने यहाँ पर बात करनी है। तो ये चीजें जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। तो दिस बिलोंग्स टू योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको लेके चलेंगे यहाँ पे। इसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा अकाउंट बनाता हूँ। अगर एक इंडिविजुअल बेस है, इंडिविजुअल का कैपिटल अकाउंट जो है वो हमने बनाना है, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोगों को इंडिविजुअल का कैपिटल अकाउंट बनाना आता है कि इंडिविजुअल के कैपिटल अकाउंट की मूवमेंट क्या होती है, आती है? मेरा आवाज आ रही है? जी उसपे क्या होता था, उस पे आप ओपनिंग कैपिटल अकाउंट पकड़ते थे कि ये जी हमारा ओपनिंग कैपिटल अकाउंट आया, जितना प्रॉफिट आपने फॉर द ईयर कमाया होता था वो आप बीच में ऐड करते थे, जो न्यू कैपिटल आया होता था वो आप बीच में ऐड करते थे, ड्राइंग्स जो हैं वो आप बीच में लेस करवाते थे, तो आपके पास क्या आ जाता था, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ जाता था। यही होती थी।
अब देखें कि आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जा रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल आपका 1000 का है, क्लोजिंग कैपिटल आपका 1200 का है, ये जो मूवमेंट है ये क्या करनी है, ये मूवमेंट आपने रिकॉर्ड करनी है। ये मूवमेंट क्या करनी है, आपने रिकॉर्ड करनी है कि ये 1000 से 1200 में कैसे गए, कैसे आए, कैसे नहीं आए। इस चीज को हमने जो यहाँ पर नोट डाउन करना सीखना है, ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहलाती है। फॉर इसके लिए इंडिविजुअल के लिए, इज दैट क्लियर? अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने स्केल अप करना है फॉर कंपनी, कंपनी के अकाउंट्स के लिए क्या करना है, हमें इसको स्केल अप करना है। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कौन से पोर्शंस होते हैं दो, या उसके कौन से दो पार्ट्स हैं जिसको हमने क्या करना है, लेके चलना है, या कौन से दो एलिमेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। तो इसमें दो चीजें हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक है ट्रांजेक्शन विद ओनर्स, एक है नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, इक्विटी का मतलब क्या होता है, एसेट्स, टोटल एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को लेस कर दें तो हमारे पास आता है नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स ही हमारी क्या होती है, एक्चुअल में इक्विटी होती है, ये इक्विटी है। ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, इनका पता है क्या होती है क्या नहीं होती? क्या डिफरेंस है ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन का और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन का, एनीवन? पेपर में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओनर बेस्ड ट्रांजेक्शन का मतलब है कि यहां पे हमारे कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, और इस इंक्रीज या डिक्रीज की वजह कौन है, उसकी वजह ओनर है, मालिक है। मींस शेयर इशू हुए, डिविडेंड पे किया गया है, ये दो चीजें जो है ये किसमें आते हैं, ओनर बेस्ड ट्रांजेक्शन में आते हैं। और नॉन ओनर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज तो हुआ है बट ये रिजर्व की वजह से, प्रॉफिट की मूवमेंट की वजह से हुआ है, ये आपका नॉन ओनर चेंजेस आता है। एलिमेंट्स की बात करें, क्या कुछ आएगा एसओसीआई में, अगर आपके पास शेयर के टाइप कितने होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और क्या होता है आपके पास, शेयर कैपिटल होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर वो हैं जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे ऑर्डिनरी शेयर कहला रहे होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, दो तरह के हैं, एक है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो इररिडीमेबल है वो इन्वेस्टमेंट होती है, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है, बल्कि ये लोन कंसिडर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है। आप सबको आइडिया है ना कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोन क्यों कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कहते, सबको पता है? देखिए, याद रखिएगा, आपने
कोई प्रोजेक्ट बनाने में। अच्छा ये वाला पॉइंट ना इसको लिख लो, ये बोरिंग कॉस्ट में भी आ सकता है। बोरिंग कॉस्ट में आपने आज तक क्या प्रैक्टिस की है? यू हैव प्रैक्टिस के लोन ली है, यही प्रैक्टिस की है ना आपने? लोन ले रहे हो स्पेसिफिक है या जनरल है? यही है। बोरिंग कॉस्ट में ये भी आ सकता है। देखो आप बैंक के पास जाते हो, आप 5 मिलियन लेते हो, आप कहते हैं हम आपको इस 5 मिलियन के ऊपर 10% जो है वो सूद पे करेंगे और 5 साल बाद आपको रीपे कर देंगे। ये लोन है, इंटरेस्ट है, ऐसे ही है। एंड आप कहते हो मैंने बैंक के पास नहीं जाना, मैंने पब्लिक बोरिंग करनी है, मैंने पब्लिक से लोन लेना है। पब्लिक से अगर आपने लोन लेना तो क्या कहते हैं यार, हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, 5 साल तक अपने पास इन शेयर्स को रखो, हम हर साल तुम्हें 10% पे करते देंगे डिविडेंड, 5 सालों के बाद ये शेयर वापस करना, हम आपको आपकी रकम पूरी कर देंगे। तो क्या ये लोन के बराबर नहीं है? बताओ जरा। तो ये भी क्या होता है, लोन ट्रेड होता है। अगर पेपर में इस अटेम्प्ट में वो आपको गिवन करता है कि आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, तो जनाब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप कभी भी इक्विटी में लेके जाएंगे, बल्कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी, उससे आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ये हिडन पॉइंट है, पेपर में टेस्टेड नहीं है, अगर आ जाए कर लोगे एवरीवन। ये ऐसा लोन ही है भैया, आप देखो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, कुछ अरसे बाद आपने ये सारा सारा वापस कर देना होता है, ये ऐसा लोन ही ट्रेड हो रहा है भैया। क्या हो गया बड़े भाई ने? ओ बहन जी सॉरी, रिडीमेबल के ऊपर जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कर लेंगे IAS 23 में। इसको पॉइंट को कहीं पे लिख ले, नोट डाउन कर ले, आ सकता है। बिकॉज आपने बोरिंग कॉस्ट की प्रैक्टिस सिर्फ यही की है, लोन ऑब्टेन लोन ऑब्टेन लोन ऑब्टेन। अगर रिडीमेबल शेयर इशू किए गए हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो वो भी आपका स्पेसिफिक लोन ही ट्रीट होगा, ये लिख ले कहीं पे। और शेयर कैपिटल क्या होता है? टोटल नंबर शेयर इश्यू होते हैं। उसके बाद डिविडेंड पता नहीं क्या होता है, SOCIE में भी रिडीमेबल शेयर्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, जो रिडीमेबल के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होती है। आप इसको इंटरेस्ट के तौर के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस करवा के बैठे होते हैं, ठीक है? इंटरिम डिविडेंड
और फाइनल डिविडेंड, इनका पता है दोनों क्या होते हैं? बता दे, मेरी हेल्प हो जाएगी। क्या होते हैं इंटरम, क्या होता है फाइनल, क्या होता है, इसके बारे में पता है? इंटरम का मतलब क्या है कि साल के मिड में दौरान आप पेमेंट कर रहे हैं। रिमेंबर, लिखो इसको, तो लिखो इंटरम डिविडेंड की एडजस्टमेंट इसी साल की एसओसी, एसओसी अगर इंटरम डिविडेंड पे किया गया है तो इसी में क्या की जाएगी, इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। और जो फाइनल डिविडेंड है इसकी एडजस्टमेंट हमेशा नेक्स्ट ईयर की जा रही होती है। अगर 23 के एंड पे आपने फाइनल डिविडेंड दिया है, ये पे होगा 2024 में, तो 24 में जाकर क्या की जाएगी, इसकी एडजस्टमेंट होगी। इंटरम उसी साल और फाइनल अगले साल क्या हो रहा होगा, एडजस्ट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, इनका सबका डिफरेंस पता है? जल्दी से स्क्रीन है, रीड करें स्क्रीन पे, बताइए सबको क्लियर है। तो भाई रीड कर ले, भाई रीड कर, तेरी मैं बने रीड कर ले, पेपर में थ्योरी आ सकती है, रीड कर लो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल खराब है, नहीं रिप्लाई कर पा रहा, उसका हाफ टच काम नहीं कर रहा, तो मैं कैसे रिप्लाई करूँ? सबर कर ले, मैं क्लास के बाद कुछ करता हूँ अपने मोबाइल का, रिप्लाई सबको करके ही भरूंगा, फिक्र ना करें। इसको रीड करें जो पेपर पे लिखा होगा सामने स्क्रीन के ऊपर, इसे जल्दी से रीड करें। शाबाश, ये क्लियर है? ऑथराइज्ड जो आपको अलाउ किया गया, इश्यूड जो किया है, सब्सक्राइब जो लोगों ने लिया, पेड अप जिसका पैसा मिला। इसके बाद शेयर प्रीमियम, शेयर रिडेम्पशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये निकाल दी गई है। बोनस शेयर क्या होते हैं, राइट इश्यू क्या होता है, ये पता है। शेयर प्रीमियम क्या होता है, अगर आपका शेयर 10 का था, आपने 15 का इशू किया, ₹5 जो है आप जो चार्ज कर रहे हैं, ये क्या आपका कहलाता है, शेयर प्रीमियम कहला रहा होता है, इसका पता है ना आप लोगों को। बोनस शेयर क्या होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और राइट इशू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है बट मार्केट से कम वैल्यू के ऊपर, वो आपके राइट इशू कहला रहे होते हैं। इसका क्लियर है? और टोटल ये, अच्छा यहाँ तक जितनी ट्रांजेक्शन हमने बात की, यहाँ जितनी बात की है, शेयर इशू की, डिविडेंड की, ये सारा कुछ किसका पार्ट बनती है, ये सारा पार्ट बनती है आपकी ट्रांजेक्शन विद ओनर्स का, कि इसमें ओनर्स जो है वो इन्वॉल्व है, उसमें क्या बनती है, ये उसका पार्ट बन रही होती है। अब जो नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजेक्शन है उसमें आपकी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाती है, या आपने प्रॉफिट कितना कमाया, और रिटेन्ड अर्निंग और रिजर्व्स की मूवमेंट क्या है, वो आपके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ जाती है। इसमें आपका आता है रिवैल्यूएशन सरप्लस और जनरल रिजर्व। आपको IAS 16 में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री याद है? Thank you.
रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग हमारी क्या होती थी, क्रेडिट होती थी। अगर आपको उसमें पता हो कि हम सरप्लस कम कर रहे हैं और रिटेन अर्निंग बढ़ा रहे हैं। अब जब रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो रही है, रिटेन अर्निंग बढ़ रही है, तो उससे आपकी मूवमेंट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होगी, तो वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपने देखना है। देखो आपके पास सिलेबस में ना, जो उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पूछेगा, शेयर कैपिटल जो है ये लाजमी पूछा रहेगा, प्रीमियम गिवन होगा, रिटेन अर्निंग गिवन होगा, सरप्लस गिवन होगा, ये चार चीजें तो पूछे गई। इसके अलावा कोई और रिजर्व भी वो क्या कर सकता है, गिवन कर सकता है, जो आपसे पूछेगा। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, अगर बीच में IAS 8 को वो लेके आता है, तो इस ओपनिंग की भी क्या करेगा, वो एडजस्टमेंट जो है वो करवा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो क्या देगा कि आपका ओपनिंग जो है था रिटेन अर्निंग वो थी 200 की। अब वो क्या करेगा, क्या देगा कि आपकी ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी थी, 200 की थी, लेकिन पिछले साल में लास्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या रेट ये था आप ये रेट नहीं लगा पाए। अगर ये काम हो जाए तो क्या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में उसका इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो एक तो है बड़ा सिंपल पूछे कि आपको उसने गिवन कर दिया, आपने बस वैल्यूज पुट की है, निकाल के दे दिए। दूसरा है वो आपको घुमाएगा, अगर इसमें IAS 8 को अप्लाई करता है, उसकी एप्लीकेशन लेके आता है, तो जो सबसे ज्यादा चीज तंग करेगी वो रिटेन अर्निंग्स ही होगी। और रिटेन अर्निंग में से जो उसने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स पूछनी है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स वो कौन सी उसने पूछनी है, वो उसने पूछनी है डेप्रिसिएशन की, कि आप लास्ट ईयर एसेट था 1 लाख का, आपने रिकॉर्ड कर दिया 9 लाख का या 10 लाख का रिकॉर्ड कर दिया, डेप्रिशिएट ज्यादा कर दिया होगा या डेप्रिशिएट कम कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग पे क्या होगा, फर्क आ रहा होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है, अगर ये एडजस्टमेंट पॉसिबल हुई तो आप फिर हमेशा अपना रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करके दे रहे होंगे। इज दैट क्लियर, ये एडजस्टमेंट आ सकती है। डैफोडिल्स वाला सवाल जो है उसमें यही गिवन किया गया है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 दोनों को मिक्स करके पूछा गया है। ये क्लियर है? अच्छा, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ये आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं आपने लिख लिए। उसके बाद जो फिर आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया होगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो आप यहाँ लिखेंगे। अब डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर किया फाइनल डिविडेंड, तो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड आप लेस करवा रहे होंगे, बट बताएं ये फाइनल डिविडेंड किस ईयर का होगा, इस साल का कि पिछले ईयर का होगा। लास्ट ईयर का, याद रखिएगा कि फाइनल डिविडेंड जो है वो लास्ट ईयर का आप यहां पे लेस करवा रहे होंगे। गॉट इट? पर अगर इंटरिम डिविडेंड होगा तो वो इसी साल का आप यहां पे लेस करवा रहे होंगे। उसके अलावा जो आपने सरप्लस से रिटेन अर्निंग में मूवमेंट की होगी, जिसमें आपने रीवैल्यू सरप्लस डेबिट किया होगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट की होगी, आप वो भी यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके एसेट्स अगर रीवैल्यू हो रहे हैं वो भी आप क्या करेंगे, वो भी आप यहाँ पे शो कर रहे होंगे। फिर उसके अलावा जो बोनस होंगे उसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। अब बोनस इशू करना है तो रिमेम्बर प्रायोरिटी किसे देंगे, आप प्रीमियम को प्रायोरिटी दे रहे होंगे।
अगर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो आपका होगा रिटेन अर्निंग से, अदरवाइज प्रीमियम से आप इश्यू कर रहे होंगे, राइट इश्यू करेंगे वो आ जाएगा। तो एट द एंड आप बताएंगे कि ओपनिंग मेरा टोटल ये था, क्लोजिंग टोटल मेरा ये हो गया, यहां से यहां पे जाने पे ये तब्दीली आई है, कहाँ पे एडिशन हुई है, कहाँ पे कमी हुई है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, ये जो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रही होती है। रेड क्लियर? शेयर प्रीमियम से बोनस इश्यू होगा, प्रीमियम लेस होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कैपिटल में वो ऐड हो रहा होगा। तो ये फॉर्मेट जो है ये आपने याद रखना है, जो कुछ जर्नल एंट्रीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए जो इन तमाम प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होती हैं। देखो जब भी न्यू शेयर्स इशू किए जाएंगे, जब भी ताजे शेयर्स दिए जाएंगे, तो बैंक आपका डेबिट होगा, शेयर कैपिटल जो है वो क्या होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। जब आपकी रिडेम्पशन होगी तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप प्रीमियम भी इश्यू करेंगे तो बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम भी है, ये क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। अगर आप प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं, दूसरे आप बोनस इशू कर रहे हैं, तो बोनस पे प्रीमियम डेबिट होगा या रिटेन अर्निंग डेबिट होंगी, और शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो रहा होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये एंट्रीज जो है ये आपको पता होनी चाहिए, पेपर में एंट्रीज भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद डिविडेंड की एंट्री हो तो उसमें हमारी रिटेन अर्निंग जो है वो डेबिट हो रही होती है और डिविडेंड पेबल जो है क्रेडिट होता है, और जब डिविडेंड पे होता है पेमेंट में डिविडेंड पेबल डेबिट और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। अब उसका अकाउंट बना देता हूँ, ये आपका अकाउंट बनता है रिटेन अर्निंग का। इसमें होता है आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग गिवन होता है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जितना भी आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया होता है वो आप इसमें यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अलावा जो सरप्लस से आपने यहाँ पे मूवमेंट की होती है वो भी आप यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग डेबिट भी यहाँ पे शो करेंगे। उसके अलावा किसी और रिजर्व से आपने कोई रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर की है वो भी आप यहाँ पे शो करेंगे। उसके अलावा अगर आपने बोनस इशू किया है रिटेन अर्निंग से वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे कि इतना डिविडेंड मैंने देना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रिटेन अर्निंग डेबिट होती है, डिविडेंड डिक्लेयर आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपका जाता है फिर डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में, ओपनिंग पेएबल इतना था, क्लोजिंग पेएबल इतना है, इतना डिविडेंड आपने क्या किया है यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ये है आपका डिविडेंड डिक्लेयर। आप इसको लिखते हैं तो यहाँ पे जो आपने एक्चुअल पेमेंट की होती है कैश में वो आ जाती है, इसकी एंट्री हमारी ये होती है जो हम पास कर रहे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर रहेगा? और ये आपको पता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग जो है वो क्या होती है, हमारी क्रेडिट हो रही होती है। और अगर जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग में मूवमेंट हो रही है या रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में मूवमेंट हो रही होती है, उसके ट्रांसफर की एंट्री जो है वो हमारी ये हो रही होती है। ये एग्जांपल है, ये बेसिक एग्जांपल है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने करनी है, बड़ा इजी है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। मैं ईपीएस पे मूव करूंगा, ईपीएस करवाने के बाद फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आऊंगा, बिकॉज उसमें भी मेरे पास रूम होगा कंबाइंड क्वेश्चन करवाने का, कंसोलिडेटेड क्वेश्चन करवाने का रूम होगा। बट एज ऑफ नाउ आपने ये सिर्फ एक सवाल है, ये खुद करना है। फॉर्मेट आपको बताया कैसे है कैसे नहीं है, इस फॉर्मेट में हमें क्या करनी है, इस फॉर्मेट में आपने ये वैल्यूज प्लेस करना चाहिए, दैट्स इट। पेपर में अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी एक बेसिक क्वेश्चन है वेटेंट से लिमिटेड वो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा।
ये क्वेश्चन जो है ये क्या करना है आपने सॉल्व करना है, मैं इसकी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जस्ट ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, इसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा। मैं ईपीएस करवाने के बाद जब मैं डेफोडिल्स पे जाऊंगा ना, मैं आपको एक सबसे मुश्किल क्वेश्चन खुद करवाऊंगा ताकि आपको इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो रही हो। कल ईपीएस करवाऊंगा, ईपीएस मुश्किल लगती है, कल की क्लास के बाद डेफोडिल्स का सवाल सबसे मुश्किल सवाल होता है, मुझे बताइएगा कि मुश्किल है कि नहीं। ईपीएस आपके सिलेबस में आपको पास करवाने के लिए है ये। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? ये आपको ईपीएस पास करवाने के लिए दी गई है। कल मैं साबित कर दूंगा कि इनके कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी हैं। तो इसको यहां पर रखते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आपने क्या करना है, लाजमी करना है। ईपीएस का डिस्क्लोजर भी थोड़ा बता देना, मैं आपको जिस फॉर्मेट में करवाऊंगा उसी फॉर्मेट को हम डिस्क्लोजर कहते हैं। आई थिंक टेक्स्ट की मैं नहीं करवा पाऊंगा, मुझे मोबाइल अपना चेंज करना है अभी, इसको मैं चेक करवाने जा रहा हूँ मैं, ताकि मैं इतने जो स्टूडेंट के मैसेज को रिप्लाई कर पाऊँ। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो शेयर कर दी हुई है। है मैं थोड़ी देर तक व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होऊंगा, आप लोगों को पता है आई हैव इश्यूज इन माय मोबाइल, सो मुझे इसको जरा सही करवाना है, इसको देखने मैं इसको जैसे ही होता तो मैं आपको रिस्पॉन्ड आउट कर दूंगा, ये पैगाम बाकियों तक पहुंचा दीजिएगा कि मेरा मोबाइल का मसला, मैं किसी को रिस्पॉन्ड आउट नहीं कर पा रहा। मैं भी निकल रहा हूँ, अगर आधे पौने घंटे तक आ गया तो मैं क्लास रिज्यूम कर दूंगा, अदरवाइज टैक्सी क्लास में आज नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं चला कल विद ईपीएस। मैं रात में फ्री होके ना, मैं रात में फ्री होके आपको ड्राइव और नोट सारे भेज दूंगा। मुझे पता है मैंने टैक्स का टेस्ट नहीं भेजा, मैं वो भी भेज दूंगा, टेस्ट नंबर 2 सैलरी का, और मैं इसका भी रेशियोज का टेस्ट जो है R1 का, मैं वो भी शेयर कर दूंगा विद सोल्यूशन, आप उसकी फिक्र ना करें। आई गेस नहीं, इनको अपने सोल्यूशन के साथ टैली करें R1 के, कोई चीज समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।